ये मेरा वीडियो का जो है लेसन टू है, बेसिक टू डी प्रोग्राम का। हम पिछले वीडियो में देखे थे जी कोड और एम कोड्स, पहले देखे थे जी कोड एम कोड क्या यूज होता है वो देखे थे हम, एक प्रोग्राम के लिए क्या क्या कोड यूज करते हैं हम पिछले वीडियो में देखे थे। अब ये वीडियो में देखेंगे जी कोड्स, जी कोड्स G00, G01, G02, G03, हम इसमें चार देखेंगे ये वीडियो में। पहले हम देखेंगे G00, G00 में उसको क्या बोलते हैं, रैपिड पोजीशनिंग बोलते हैं। G00 यूज करते हैं जो रैपिड पोजीशनिंग के लिए, जब हम हमारा जो टूल है वो एयर में मूव हुआ था, जबकि हमारे जो वर्क पीस है उसको टच नहीं होता, वो टाइम में हम G00 यूज करते हैं। यार में मूव होता जब हम ऊपर से नीचे लेके आते वर्क पीस तक, हम रैपिड मूव लेके आते रैपिड पोजिशन में, वो टाइम में हम क्या करते हैं G00 लगाते ताकि हमारे को जो है टाइम से भी हो सकते। जो क्या करते हैं हमारे को जो कटिंग नहीं होता वो टाइम में एक पोजीशन ने एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन पे जाता, वो टाइम में हम रैपिड यूज करते हैं G00। और G01 जो है लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं उसको, लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं जब वो कटिंग लेता लाइन में, कटिंग लेता लेंथ में होने दो विड्थ में होने दो, जो लीनियर में चलता है एक लाइन में वो टाइम में हम G01 यूज करते हैं, जबकि हमारा जो वर्क पीस है वो कटिंग करने लगता है वो टाइम में हम G001 लगा के फील्ड में यूज करते हैं। G00 जो है उसको फील्ड का जरूरत नहीं है, कटिंग फील्ड का जरूरत नहीं है, कौन से भी फील्ड का जरूरत नहीं है। G00 हमारे को रैपिड में चलता है, G00 के पास कोई भी फीड देने का जरूरत नहीं है। G001 जो G01 है हम G01 यूज कर रहे थे उसमें फीड देने का जरूरत होता है वो हमको कंट्रोल करने के लिए। और G02 जो है, अभी हम G01 जो है हम ऐसा कटिंग करने दो G01 यूज करता है। G02 जो है उसको बोलते हैं CW, सर्कुलर इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज CW बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज में कभी बोर करने का, कभी आउटर कटिंग करने का, कभी रेडियस कटिंग कराते हम क्या करते हैं G02 यूज करते हैं। और G03 जो है वो उसको काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन। G03 जो है वो भी हम सेम यूज करते हैं, कभी ओडी कटिंग में, कभी बोर करने में, कभी रेडियस कटिंग में G03 यूज करते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज का तरफ टूल गया तो हम G03 यूज करते हैं, क्लॉक वाइज तरफ जो गया तो कटिंग करके G02 यूज करते। चलते हैं हम एक प्रोग्राम में देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ G00 कैसे यूज करता है, G01 कैसे यूज करता है, G02 कैसे यूज करता है और G03 कैसे यूज करता है। एक प्रोग्राम देखेंगे, अभी G00 कैसे यूज होता देखेंगे। G00 यूज है तो जब हमारा टूल जब ऊपर में रहता है, एयर में रहता है, वो टाइम में हम G00 यूज करते हैं। अभी हमारा टूल यहाँ पे है, हम क्या करते हैं उसको G00 में लेते, G0 है, G00 बोलते हैं, लेकिन लिखने का टाइम में G0 भी यूज होता है, G00 की जरूरत नहीं, G0 भी बस होता है, G00 हमने यूज किया इधर।
जी जीरो जीरो के पास कौन सा भी फील्ड नहीं है। डायरेक्ट हम जी जीरो जीरो दिया, ये फर्स्ट पॉइंट है, जी जीरो दिया फर्स्ट पॉइंट में, इधर आ गया। बाद में 50 में 50 तक आया, बाद में जी जीरो में रैपिड पोजीशन में 10 तक आता, 10 अवन तक आ गया जी जीरो में। अभी जी जीरो वन दिया, जी जीरो वन लिखता, जी जीरो वन बोलता, लेकिन जी वन भी यूज होता है, जी जीरो वन लिखे थे सेम, जी जीरो वन जी वन सेम है, जी वन माइनस 10 में दिया इधर। अभी जी जीरो में रैपिड तक आ गया, इधर रैपिड में यहाँ तक आ गया, 10 मंथ तक आ गया रैपिड में। अभी क्या आता है यहाँ से, जब थोड़ा नहीं दिख रहा अच्छे से, यहाँ से सब हमारा टूल जी जीरो वन, इधर जी जीरो वन जेड माइनस 10 यहाँ से आ गया जी जीरो वन में, फीड में आया। यहाँ से हम जी जीरो वन यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे को वर्क पीस में टच हो गया, यहाँ से जी जीरो वन में दिया। अभी जी जीरो वन में टॉप भी रखेंगे, जी जीरो वन में यहाँ तक आ गया, जॉब को टच हो गया। बाद में जी लीनियर इंटरपोलेशन है, जी जीरो वन यहाँ आ गया, लीनियर इंटरपोलेशन इसको बोलते हैं। जी जीरो वन में जा रहे हैं, ये जी जीरो वन में जा रहे। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इधर जी जीरो टू दिया क्योंकि इधर रेडियस है, रेडियस वो भी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज रेडियस में रहे तो जी जीरो टू ही होता है। यहाँ पे जी जीरो टू में गया तो क्लॉकवाइज रेडियस में यूज होता है जी जीरो टू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे को, जी जीरो वन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, इसलिए जी जीरो वन यूज किया इधर जी जीरो वन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इधर चैम्पर है, इधर भी जी जीरो वन यूज करते हैं चैम्पर में क्योंकि ये भी लीनियर मूव से, यहाँ पे लीनियर मूव है, बिगनिंग टूल पर थे, यहाँ पे लीनियर मूव है, यहाँ पे लीनियर मूव है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्कुलर मूव है यहाँ पे, इसलिए जी जीरो टू लगाया, क्लॉक वाइज सर्कुलर मूव है। यहाँ पे जो है लीनियर मूव है, यहाँ पे लीनियर मूव है, ये क्या करता चैम्पर है, एक साइड दोनों एक ही साथ मूव होता है। ये जो लाइन है यहाँ पे वही कॉन्स्टेंट रहता, एक्स मूव होता, ये लाइन में एक्स कॉन्स्टेंट रहता वही मूव होता। इसमें क्या होता सर्कुलर में जी जीरो टू में एक्स आई दोनों मूव होता, एक्स आई आर तीन एक बार में मूव होता, इसमें वही कॉन्स्टेंट रहता एक्स मूव होता। इसमें जो चैम्पर है ये भी लीनियर मूव से, इसलिए इधर भी जी जीरो टू नहीं लगता, जी जीरो थ्री नहीं लगता, जी जीरो वन ही यूज होता है इधर, ये दोनों दोनों एक्सिस एक ही बार में यूज होता है। ये जो है ये लाइन नेक्स्ट लाइन का है एग्जाम्पल हो गया, नेक्स्ट जी जीरो वन वाई टेन एम, ये जो है ये भी लीनियर मूव से, ये स्ट्रेट लाइन है। और नेक्स्ट इधर एक सर्कल है, नेक्स्ट क्या है जी जीरो थ्री, हम यहाँ पे क्या यूज किया जी जीरो थ्री एक्स 35 वाई माइनस 10, क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज है, ये सी सी डब्ल्यू है, सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं इसको, इसलिए हम इधर जी जीरो थ्री यूज किया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी इधर देखो सर्कुलर मूव आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो जी जीरो वन यूज करते हैं, इसमें जी जीरो वन में एक्स माइनस 45 यहाँ तक आ जाता है, यहाँ पे क्या है लीनियर मूव से, इसलिए लीनियर इंटरपोलेशन बोल तो ये जी जीरो वन यूज होता है। इधर सर्कुलर मूव
एंटी क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है, ये क्लॉक वाइज है, इसलिए हम यहाँ 302 यूज करते हैं, क्योंकि रेडियस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहा है, जो सर्कल है ऐसा जा रहा है, क्लॉक वाइज ऐसे जाता, क्लॉक वाइज है ना, इसलिए हम इधर 302 यूज करते हैं। और 003 इधर ऐसे जा रहे, ऐसा स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, स्टार्ट है एंड, इसलिए ऐसा स्टार्टिंग से ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा बोलते सर्कुलर काउंटर क्लॉक वाइज है, ये सर्कुलर इंटरपोलेशन में काउंटर क्लॉक वाइज है, इधर 003 यूज होता है, ये स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, इधर स्टार्ट होके इधर आ रहे, चलिए 003 यूज होता है इधर, और ये तो स्ट्रेट लाइन है, इधर 01 यूज होता है, इधर 01 होता है, नेक्स्ट 01, नेक्स्ट 01, नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ तक आ गया, एंड पॉइंट आ गया, लीनियर गेम में स्टार्टिंग से एंडिंग आ गया, नेक्स्ट हम क्वार्टर ऊपर उठाने का, इधर जो है हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, क्वार्टर ऊपर जाने का, क्वार्टर जब ऊपर जाता वो टाइम में हम क्या करते हैं, 00 यूज करते हैं, 00 ZTMO, यहाँ पे तो क्वार्टर ऊपर चला गया, नेक्स्ट कूल एंड ऑफ M05, ये बाद में देखेंगे हम, M05 एम कोड, और ये 00 होम को चला गया, 091 G28 होम को चला गया, ये वही होम को चला गया, M30, अभी आप देख लिया 00 G01 G02 G03 पूरा देख लिया, मेरे ख्याल से आपको तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट भी करेगा कैसे समझ में आएगा, लेकिन वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, बीच बीच में स्किप करके देखे तो समझ में नहीं आएगा, स्टार्ट करके एक ही बार में लास्ट में देखे तो समझ में आएगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखे तो वीडियो समझ में आएगा, अगर समझ में आए तो दो बार तीन बार चार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा, समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट कीजिए, मैं उसको सलूशन बोलेगा, हाँ समझ में आए तो अच्छा, आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करे तो मेरे को थोड़ा अच्छा फील होता और इंटरेस्ट भी होता नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, मैं तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो वीडियो जो रिलेशन टू है, टू डी प्रोग्राम में हम और भी वीडियो बनाएंगे, पूरा जी कोड में, जी कोड के ऊपर बनाएंगे, और नेक्स्ट एम कोड के ऊपर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट एक एक एग्जाम्पल में टू डी प्रोग्राम कैसे होता, पूरा ड्रिलिंग प्रोग्राम और बोरिंग मिलिंग प्रोफाइल पूरा एक एक करके हम पूरा 2D कंप्लीट करेंगे, 2D के बीच में भी हम मास्टर कैम का वीडियो बनाएंगे, मास्टर कैम टेलीकॉम अभी वो भी एक स्टार्ट करेंगे 2D के बीच में, ये थोड़ा शुरू हो रहा है अभी, दो चार वीडियो बनाने के बाद वो भी शुरू करेंगे, लेकिन 2D पहले 2D सीखे तो 3D थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैं पहले 2D बना रहे, 2D सीखने के बाद 3D थोड़ा आसान हो जाता है, कोड भी मालूम हो जाता है कहाँ पे क्या कोड यूज करते हैं, हम जब 3D प्रोग्राम भी बनाते हैं वो टाइम भी हमारे को प्रोग्राम एडिट करना पड़ता है, स्टार्टिंग में एंडिंग में, बीच वाला तो कुछ जरूरत नहीं एडिट करने का, लेकिन जो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग है वो एडिट करना पड़ता, वो भी थोड़ा
टोली प्रोग्राम से गया था, थोड़ा अभी आसान हो जाता, लेकिन वीडियो देख के और बार बार देख के थोड़ा प्रैक्टिस करे तो को प्रोग्राम आता। ये वीडियो भी होना बोलता तो ये जो लिंक है नीचे भी लिंक में दे देगा उसका ड्राइंग के साथ प्रोग्राम। प्रोग्राम चाहिए तो नीचे कमेंट करा तो मैं प्रोग्राम भी दे देता, वो भी देखिए कैसे प्रोग्राम बनाया। मेरे ख्याल से अभी आपको जी कोड एम कोड क्या किधर यूज होता वो होने के बाद जब एग्जांपल में वीडियो बनाएगा एक प्रोग्राम का वो टाइम में आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो आपको आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।